अब ये जितने ट्रक दिख रहे हैं ना भाई, सबके हवा निकाले हैं और हवा निकाल कर अभी सब जा रहे हैं भाई लाइन से, देख रहे हो, अभी सब जाएंगे और उसके बाद भाई ये पार होगा। आ जाओ आपको दिखाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई सकोली से, जो कि ये अपनी गाड़ी खड़ी है। और आपको मैं बताया था कि ये भाई फाटक होता है, तो फाटक में भाई हवा निकाल के उसके बाद गाड़ियां हमारी पास होती है। फिलहाल वही काम हो रहा है, हवा तो पीछे ही निकल गया था और हम पार भी हो गए थे सुबह सुबह। अभी यहाँ पे ना ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज के ऊपर भाई अपनी गाड़ी साइड में लगा के हवा डल रही है। जिनकी जिनकी डल गई वो भाई सामने देखो जा रही हैं। ज़्यादा करके कार गाड़ी में ही मसला आता है, क्योंकि ये हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं हाइटेड होती हैं, हाइटेड होने के कारण भाई इसमें हवा निकालना पड़ता है। लगभग इतना ज़्यादा करके एक गिट्टा यानी 6 इंच भी हो जाता है, यानी टायरों के हिसाब से भी होता है ज़्यादा ऊंचाई और नीचे, ठीक टायरों के हिसाब से भी भाई लंबाई ऊंचाई होता है। आ जाओ अभी इधर हवा डल रहा है अपने टायर में, तो इधर से फिर निकलते हैं। इस तरह से भाई बारीकी बारीकी करके ना हवा डलता है, पूरा पड़ गया ना, कितना पड़ा है इसमें 80। आ जाओ पड़ गया, हम निकलते हैं भाई आगे। अभी गाड़ी ऊपर से ही यू टर्न करनी पड़ेगी। हाँ हाँ कर रहे हैं उस्ताद। आ जाओ भाई यू टर्न करते हैं गाड़ी, यू टर्न करके ना आगे निकलेंगे सीधा भंडारा नागपुर। एक बार टायरों पे नज़र मारते हुए सीधा भाई होटल पे निकल चलते हैं और वहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह देखते हैं कुछ, क्योंकि भाई टायर भी अपने देखने पड़ेंगे। और यार टायर सही है तो फिर यार समझ लो गाड़ी सही चलेगी। और सामने अपना गोवा है भाई, अभी हम आ चुके हैं गोवा वाले होटल पे। गोवा वाला बीच है एक और ये गोवा वाला होटल है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा ना। आ जाओ सामने से दिखाता हूँ आपको गोवा वाला होटल, तो ये वाला। चाय पीते हैं भाई, चाय पी के फिर आराम से निकलेंगे। होटल देखो एक बार, काले काले सो रखे हैं ना। चाय देना ये भाई अपनी चाय, साथ में नमकीन का पैकेट, मसाला शो मुरमुरा 20% एक्स्ट्रा के साथ में भाई। आ जाओ मस्त पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय के अलावा कुछ है भी नहीं ना इसके लिए। चाय अपना हो गया और दिखाता हूँ आपको, देखो अभी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लग गई, पहले गाड़ी नहीं थी, बस मेरी गाड़ी इधर अकेली थी, पर अभी तीन गाड़ियाँ लग गई। एक गाड़ी इधर लग गई भाई और एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी इधर, RG नंबर सब ये CG। अभी फिर से भाई स्टॉप ले चुके हैं, क्योंकि यार नाश्ता करना है ना, तो होटल इधर रहा और यहाँ पे गाड़ी लगी थी, तो इसके लिए गाड़ी इधर नहीं लगाया, तो गाड़ी सीधा भाई वो पेड़ के छांव में लगा दिया। और यहाँ पे चल के ना पराठे वराठे बोलते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ भाई चलेंगे।
पटाखे सराटे तो भाई अपने हो गए और आप गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो दो तीन कमेंट का मैं ना आंसर दूंगा भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी गाड़ी के पास आ गया, तो एक बार चलते चलते ना अपने टायरों पे नज़र मारते हुए और आगे। वैसे गाड़ी ज़्यादा आ रही है तो भाई आवाज़ थोड़ी कम जा रही होगी, आधा पहले गाड़ी में एंटर करते हैं। अब आपके भाई कमेंटों का आंसर, पहला बात है कि एक भाई ने बोला थे ना कि भाई ये कंपनी कहाँ की है, कहाँ पे है, तो भाई ये कंपनी गुड़गांव में है जो कि मानेश्वर साइड पड़ता है गुड़गांव में वहाँ पे। और भाई काम का बताऊँ तो इसमें भाई आके मतलब गारंटर लगते हैं, गारंटर के हिसाब से आप आके यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हो और गाड़ी आराम से चलाओ फिर। अभी गाइस हम आ चुके हैं अपने पंप पे जो कि भंडारा वाले रोड पे पड़ता है, और मैंने गाड़ी थोड़ा सा छिपा के खड़ी की है, फिर भी ना पंप वाले ने ये जो स्टाफ हैं कर्मी हैं ये देख चुके हैं तो बोल रहे हैं भाई आ जाओ फटाफट। मालूम क्यों? क्योंकि जितने ड्राइवर होते हैं ना तो उनका जितना डीजल बचता है, डीजल गाड़ी पहुँचने से एक्स्ट्रा होती है, तो भाई वो डीजल का कैश कराते हैं, वही होती है उनकी पगार। जैसे कि हमारी भी अभी डीजल जो एक्स्ट्रा हमारे पास रहेगा 30-40-50 लीटर जो भी हो उसका भाई हम कराएंगे कैश, और वो कैश ही भाई हमारा पगार बनता है। तो यहाँ पे लोगों का फायदा उसमें होता है पर लीटर पे 5-4 रुपये, तो यही चीज़ है। तब ये लोग भाई ना बुलाते हैं, कोई फ़ोन में बोलेगा भाई फ़ोन पे मेरे पास है, कोई कैसे है, इस तरह से भाई यहाँ पे काम चलता है। आ जाओ यहीं पे गाड़ी रोक के ना चलते हैं, पूछ लेते हैं भाई क्या हिसाब है। वैसे सोच रहा था कि सामने हमारी एक गाड़ी लगी है, वाली ये गाड़ी हट जाए वहाँ पे चल के देख लेते हैं, वहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं, पर वो हटेगी नहीं और हमें यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। अभी भाई नागपुर रिंग रोड पे हम चल रहे हैं, और एक बार ना आपको जो पता मौसम जो कि भाई काफ़ी शानदार और ख़तरनाक सा लग रहा है, तो एक बार भाई चेक करो आप सामने का व्यू जो कि भाई खतरी है, खतरी इसलिए भाई पूरा सामने काला काला सा हो रखा है, और बारिश वगैरह तो अच्छी खासी हो रही थी, अभी पीछे भी हो रही थी, अभी आगे आने के बाद सूखा सूखा, क्योंकि महाराष्ट्र में भाई कहीं पर धूप है, कहीं पर छांव, तो कहीं पर बारिश है, ऐसा चलता रहता है। भाई मेरे शीशे में भाई देख ही सकते हो बारिश की बौछार और बूंद ऐसे पड़े हुए हैं उसी तरह, भाई सामने कहाँ बारिश मिल जाएगी पता नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि एक चाय पीने के लिए, और चाय की टपरी भी नहीं मिल रही है, और भाई पीछे थी वहाँ पे बारिश पड़ रही है, इसके लिए वहाँ पे रुका नहीं। अभी आगे ही कहीं प्लानिंग देखते हैं रुकने का, और देखते हैं भाई मिल जाती है चाय की टपरी वगैरह, चाय साय पी लेते हैं। वैसे यार मौसम देख के ना बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे चाय की टपरी यहाँ पे है, पर गाड़ी सर्विस रोड में डालनी पड़ेगी, फिर सर्विस रोड में डालने का मतलब भाई कि बहुत आगे से निकालना पड़ेगा, इसके लिए सर्विस रोड में हम गाड़ी इतना डालते नहीं, अगर मेन हाईवे पर जगह है तो रोड भाई पी लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही बस चलते बनो भाई चलते रहो। आपको मैं जो काले बादल दिख रहा था ना वो भाई दिखाओ मौसम का नजारे, तो ये भाई अरे यार इतनी तगड़ी बिजली तड़की इधर, तो मौसम के नज़ारे लाइव दिखा दिया यार, अब क्या सही है भाई, आवाज़ भी आ रही है गरज की। अभी देखो इधर पूरा बारिश हुआ है, ज़्यादा से यानी टोल के उस पार बारिश ही नहीं है, और टोल से 1 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ, और इधर देखो बारिश भाई, भाई इस तरह से कहीं कहीं हाल बिगड़े हुए मिलते हैं, कहीं बने हुए मिलते हैं। अभी आ जाओ यार इस रोड पे ना खड्डे बहुत हैं खड्डे, और अभी ये जो रोड है ना हम इस टाइम ब्रिज के ऊपर है, और लोकेशन आपको बता दूँ तो ये भाई बुट्टी बोरी उतर जाता है रोड, वो है जो कि हैदराबाद जाता है, तो ये रहा बुट्टी बोरी वाला रोड, इधर जाएगा हैदराबाद और ये जाएगा नागपुर।
बाकी यार यहाँ पे स्टेडियम भी एक है जो कि वो रहा। बस बारिश की वजह से यार बूंद पड़ रही है ना, तो उतना आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसकी पीसी से भाई धुंधले धुंधले हो गए ना बाप से, इसके लिए भाई वही सामने स्टेडियम दिख रहा है। अदा अभी हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं राजस्थानी होटल पे, जो कि जिस होटल पे हम हमेशा भाई रुकते ठहरते रहते हैं। और ये भाई जो आपको दिख रहा है ना, नागपुर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। और मैं काफ़ी दिनों से भाई इसको दिखाने के लिए सोच रहा था, पर यार कभी मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं इस साइड से आता, रॉन्ग साइड से, तो यार कंडक्टर साइड पड़ता था इस साइड में, इसके लिए नहीं दिखा पाता था। अभी आज देखो भाई, और बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। वैसे भाई डिज़ाइन एकदम मस्त भाई। और अब हम आ चुके हैं भाई जहाँ से हमें समृद्धि एक्सप्रेसवे पकड़ना रहता है। तो भाई ये सामने भाई गोल चक्कर जो कि देख ही सकते हो, पूरा भाई खतरनाक सा लुक है यहाँ का। आप भाई एक बार आके ना देखो, आपको खुद ही पता चलेगा। अब ये तो बस भारी बारिश दिख रहा है। और ये रहा भाई मुंबई नासिक जाने का लिए समृद्धि महामार्ग। और हमें तो भाई जाना है राजस्थानी होटल पे, इसके लिए हम सीधा सीधा निकल चलेंगे राजस्थानी होटल पे। अभी आप पहचानो भाई कि कौन सी जगह पे है। वैसे हम आ चुके हैं भाई राजस्थानी होटल पे। राजस्थानी होटल भाई सामने दिख रहा होगा, जो कि यार यहाँ पे थोड़े पानी पानी से ज़्यादा होते हैं ना, इसके लिए गाड़ी उधर नहीं लगाई, नहीं तो गाड़ियाँ ज़्यादा करके वहीं पर लगती हैं। अभी देख ही सकते हो एक आध दो गाड़ी लगी है, इसके लिए हमने भाई ये रोड पे गाड़ी लगा ली है। रोड पे इसलिए भाई कि वॉचमैन भी पिछली बार आया था तो यही हाल था बारिश वाला, तो भाई रोड पे गाड़ी लगाई थी जो कि यहाँ पे, इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पे लगा लिया। और वो जब वॉचमैन आएंगे वो खुद ही बता देंगे भाई गाड़ी कहाँ पे आपको लगानी है। ठीक, वैसे देख ही सकते हो DBRC की गाड़ी है, वो भी मेरे पीछे लगी है। और फिर मेरी गाड़ी भाई पालिया। और होटल तो भाई आपको पता ही होगा, नहीं है ना, तो मैं दिखा देता हूँ वो सामने रहा होटल, तो वहाँ पे हमें खाना है खाना। आ जाओ फिलहाल अभी यहीं पे आराम करते हैं और देखते हैं भाई लोड का, क्योंकि यार थोड़ी तबीयत ख़राब सी है ना, इसके लिए अभी बोल रहा हूँ भाई यूपी साइड का लोड लेने के लिए, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। फिलहाल हमारा खाना लग चुका है भाई शाम के 8:30 बजे, तो ये हमारा सेव टमाटर जो कि आप देखते हो और रोटी। पहले नींबू तो यार मिला नहीं, फिलहाल नमक छिड़के काम चलाते हैं। आ जाओ भाई इसको अच्छे से यार ग्रहण किया जाए। तो गाइस खाना ना खा के भाई आ गए अपने गाड़ी में। अब आराम से ना सोना है, आराम करना है, क्योंकि जब तक लोड नहीं मिलेगा तब तक तो भाई यहीं पे टिके रहना है, क्योंकि लोड मिलने के बाद ही भाई कहीं हम मूव करेंगे। वैसे आप बताओ आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी सी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।